जी, मैं सबा कादरी, एक्चुअली कश्मीर सेवा संघ से. हमारी नोटिस में भी ये कुछ बातें आई हुई हैं. अभी जैसे प्राइवेट स्कूल्स के माध्यम से थोड़ा सा एक वेव जैसी चल रही है कि जैसे हमारे गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था रिगार्डिंग एडमिशन कैपिटेटिव फीस, एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज वगैरह, कि वो सब कुछ एकदम से स्टॉप नहीं कर मतलब करवा दिया था उन्होंने. लेकिन बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ वन कि अभी भी कुछ स्कूल्स हमारे सोसाइटी में, चाहे मतलब ये सब तो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हर एक स्कूल के लिए हुआ है, चाहे वो प्राइवेट प्राइवेट स्कूल्स हो, चाहे छोटे स्कूल्स हो प्राइवेट में, या कोई बड़े स्कूल्स हो. एक्चुअली जब अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया है, गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था रिगार्डिंग आपके ये क्या कह रहे हैं, कैपिटेशन फीस नहीं होगा अपना, एनुअल चार्जेस नहीं होंगे, एडमिशन फीस नहीं होगा, तो उसके बावजूद भी कुछ स्कूल्स इसमें मतलब दे आर टेकिंग इट नॉन सीरियस एंड वो अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ हाल ही में कुछ पेरेंट्स से भी बात हुई हमारी रिगार्डिंग दिस. तो वो भी बड़े परेशान हैं एडमिशन के लिए. चलो एडमिशन फीस तो आप लोगों ने नाम अब स्कूल प्राइवेट स्कूल्स ने, बड़े स्कूल्स ने ख़त्म ही कर दिया. अब वो ऑलमोस्ट 10-12 साल का एनुअल चार्ज वन टाइम पे कह रहे हैं पेरेंट्स को करने के लिए. उसमें जो हमारी एक कैटेगरी आती है सिबलिंग कैटेगरी, जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे होते हैं स्कूल में, उनके जैसे भाई बहन होते हैं, उनके सिबलिंग्स होते हैं, वो बेचारे मजबूर होकर अंडर द टेबल उनका वो कर देते हैं. बट जो जो बेसिकली जो अच्छा बच्चा, मतलब अच्छा बच्चा, बच्चे तो सारे ही अच्छे हैं, बेसिकली जो बच्चा जो उधर एडजस्ट हुआ होता है, एक बोर्ड पे नाम चढ़ा हुआ होता है, ये बच्चा जी ऑलरेडी सिलेक्टेड है. सिलेक्टेड जो इंटरव्यूज़ होते हैं हर एक स्कूल में, चाहे छोटे स्कूल हो प्राइवेट स्कूल्स या बड़े प्राइवेट स्कूल्स हो, ये तो पहले इंटरव्यू बेसिस फिर इनका लिस्ट वगैरह आता है. तो वो लिस्ट में नाम हो के जब फिर पेरेंट कोई डिनाई करता है आपका कैप्टेशन या एनुअल चार्ज देने से, तो उसका बच्चा फिर विद इन नो टाइम एक वेटिंग लिस्ट में आ जाता है. डेफिनेटली मैं तो ये दैट्स वाई आई एम हेयर एंड यू आर हेयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम टेलिंग टू ये सारी सिचुएशन. बेसिकली क्या है, एक कुछ पेरेंट्स ने अपनी वॉइस रेज की कि हम जी मीडिया में जाके ऐसे बात करेंगे, बट फिर प्रॉब्लम हमारी ये आ जाती है कि हमारा बच्चा फिर उस स्कूल में जाएगा, फिर वो मतलब बाकी फिर वो सबकी आंखों में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पेरेंट्स अवॉइड करते हैं मीडिया में आना. यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट. बट द प्रॉब्लम इज़ अभी हाल ही में हमारे, मैंने आपको बोला, बहुत बड़े मतलब बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं, छोटे स्कूल्स भी हैं, हर एक पेरेंट चाहता है कि क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चे को, अपनी क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चे, चाहे वो मिडिल क्लास को, हाई सोसाइटी को, एक क्वालिटी मतलब क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को मिले. अब आती है बात कि कुछ पेरेंट्स से ये बात हुई. अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल एक देना चाहती हूँ. हाल ही में हमारे कश्मीर हार्वर्ड स्कूल से कुछ एडमिशन्स हुए हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे सिलेक्टेड थे, उनको फ़ोन किया गया है, आप आइए और फॉर्मेलिटी कीजिए. फॉर्मेलिटी आने के बाद जब पेरेंट स्कूल जाता है, वहाँ पे उनको बोलते हैं दिस इज़ द चेकलिस्ट, आप ये करिए, आप ऐसे फॉर एग्जाम्पल फीस भरिए, वो उनका होता है फॉर्मेलिटी. पेरेंट्स को सिर्फ आज के दौर में ये पता है कि गवर्नमेंट ने जिस चीज़ के लिए स्टॉप किया है प्राइवेट स्कूल्स को, मे बी दे विल नॉट आस्क फॉर दिस. बट जब पेरेंट जाता है वहाँ पे, पहुँचता है वहाँ पे, उनके प्यारोज वगैरह बैठे होते हैं, जी आप आइए आपको फॉर्मेलिटी बता दे. फॉर्मेलिटी पेरेंट यहाँ से पूछता है उनको, जी क्या फॉर्मेलिटी है इस बारे में आप बताएं. फॉर्मेलिटी होती है एनुअल चार्ज फॉर वन टाइम. 10 साल के लिए बच्चा आपके स्कूल में रहेगा नहीं रहेगा, पेरेंट्स को ये पता चले कि मेरा बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले रहा है नहीं ले रहा है, हाउ कैन ही गिव यू 85,000 रुपीज़ एट अ टाइम. और जब वो डिनाई करता है, वो पेरेंट कहता है, वो डिनाई बेचारा नहीं कर रहा है, मैं एक पर्टिकुलर पेरेंट की बात की, वो डिनाई नहीं कर रहा, वो कह रहा है इनको मैं आपको 15-15,000 बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन, मैं आपको 15-15,000 करके एवरी ईयर मैं आपको एनुअल चार्ज दे दूंगा, तो आप ये कर दो. एंड वो उसको उसके बाद बोलते हैं आप जी एक काम कीजिए, जस्ट कम डे आफ्टर टुमारो, वी विल डिस्कस इट एंड वी विल कॉल यू. जब वो पेरेंट आफ्टर 2-3 दिन उनको कॉल करता है स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, मतलब ये तो मतलब कश्मीर हार्वर्ड इज़ अ बिग नेम आई मस्ट से, तो उसके बाद वो फ़ोन उठाते हैं, वो उस फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं. तो पेरेंट मजबूर होता है यहाँ से कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग, एट लास्ट उनके जब कॉलिंग स्टॉप होगी तो वहाँ से उनको मैसेज आता है आपका बच्चा वेटिंग में, ये वही बच्चा जो नंबर 1 था लिस्ट पे. और वो लिस्ट फिर कहाँ चला गया, वो सिस्टम क्या हो गया. और मैं इल्तिजा करती हूँ अपने ऑनरेबल गवर्नर एलजी साहब, गवर्नर साहब से, कि वो एलजी साहब से, अपने एजुकेशन सेक्रेटरी साहब से, और
जो हमारी नई फेडरेशन कश्मीर स्कूल फेडरेशन बनी है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को ज़रा केनली देखे और जल्द से जल्द इसका कोई इनिशिएटिव ले और सब स्कूल्स में जो भी हमारे प्राइवेट चाहे छोटे स्कूल है बड़े स्कूल है सब हर एक जगह जाके अपनी टीम मेंबर बिठा के वहाँ पे इंस्पेक्शन ले और देखे क्या किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है।